ऐड कर लेते हैं जी महर भाई आपका टाइम मैं दे देती हूँ तीन मिनट का प्लीज ताकि सब लोगों को मौका मिले हमारे भाइयों को जी महर भाई महर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही वालेकुम वालेकुम मारिकुम सलामुल्लाह महरुल्लाह मुस्तफे मैं पहले मुस्लिम था अब एक्सीडेंट था पहले फिर एक्सीडेंट हुआ और फिर स मुझे एक क्वेश्चन है मेरा इंटरेस्ट के वाले से इस्लाम में इंटरेस्ट का सिस्टम है लेकिन आ, अगर आप किसी से पैसे लेते हैं मैं किसी लेता हूँ दस हजार तो मैं जी। अगर इन्फ्लेशन हो रही है और मैं उसको दू दो साल बाद तो बारह हजार दू फिर मेरा सही बनता है दो साल बाद अगर आप लें तो आपका कितना बनता है नहीं अगर मैं दो साल बाद दूसरे उससे वापस लूँ जी जी तो अगर बारह हजार लूँ फिर मेरे पैसे रिकवर होते हैं इशू महर साहब उस वक्त होता है जब हम किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को मैार बनाते हैं ये देखे बगैर कि उसमें गलती क्या है और फिर उसकी बेस पे हम इस्लाम को जज करना शुरू कर देते हैं ये इस्लाम ने तो नहीं कहा कि ये जो मॉडल है इसको आप लेके आए राइट ये जिस मॉडल की आप बात कर रहे हैं इसको कहा जाता है फीएट मॉडल और ये ज्यादा पुराना नहीं है ये 1970s का है इससे पहले जो करेंसी प्रिंटिंग होती थी सॉरी मैं माफी चाहूंगा शायद आपको बातें थोड़ी सी बोरिंग लगे लेकिन ये जरूरी है आपके समझने के लिए कि इस्लाम का सोलूशन है और इस वक्त आपके पास क्या सोलूशन मौजूद है नाइनटीन तक जो हमारे पास मॉडल था वो गोल्ड स्टैंडर्ड था यानी कि आप उतना ही पैसा प्रिंट कर सकते हैं जितना आपके पास सोना है या कोई कमोडिटी है तो महंगाई नहीं होती थी इसलिए महंगाई, महंगाई क्यों होती है वैसे हूं महंगाई इसलिए नहीं होती कि चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है बल्कि महंगाई इसलिए होती है कि जो आ, जो पैसा है रुपया है उसकी बाइंग पावर कम हो जाती है जो कि एक नेचुरल मार्केट का के जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा आती है वो सस्ती हो जाती है तो पैसा जब मार्केट में ज़्यादा आता है तो उसकी बाइंग पावर कम हो जाती है तो उसकी वजह से फिर चीज़ महंगी हो जाती है नहीं? तो ये जो हमारे पास पहले महंगाई इसलिए नहीं होती थी कि पैसा मार्केट में ज़्यादा आता ही नहीं था जितनी कमोडिटी आप उतना ही प्रिंट करते थे फी मॉडल में ये है कि क्वांटिटी वीजिंग है विच मींस कि आपको जितना भी पैसा चाहिए आप प्रिंट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जैसा जैसा पैसा प्रिंट करते हैं वैसे वैसे पैसे का इन्फ्लक्स होता है मार्केट में जब पैसे का इन्फ्लक्स होता है यानी कि पैसा बढ़ जाता है अफराते ज़र जिसे हम कहते हैं उसकी बाइंग पावर कम होती है तो चीज़ें महंगी लगना शुरू हो जाती हैं तो अगर हम इसको एक स्टैंडर्ड मॉडल बना के फिर इस्लाम को जज करें तो आपको इस्लाम ज़्यादा पसंद आएगा इसलिए इस्लाम तो इस सिस्टम को पसंद ही नहीं करता इस्लाम में तो कोई कैसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप पैसे प्रिंट करते रहें और उसके बाद फिर आप हैं ये तो बिल्कुल ऐसा ही है ना कि एक जगह पे अल्लाह ताला माफ़ करें मैं यू नो जस्ट टू एक्सप्लेन मैं बड़ी ग्रोस एग्जांपल देने लगा हूँ कि कहीं पे प्रोस्टिट्यूशन अगर स्टैंडर्ड बन जाता है प्रोस्टिट्यूशन स्टैंडर्ड बन जाता है शादियाँ ख़त्म हो जाती हैं सारा कुछ तो एक आदमी कहे कि यार मुझे इस्लाम की समझ नहीं आती ये एक प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ है और भाई आपको किसने कहा है कि आप प्रोस्टिट्यूशन को ठीक मान के इस्लाम को जज करें आप नतीजा देखें ना जो नतीजा आप बता रहे हैं बड़ा बुरा है वाकई आप दस हज़ार किसी को कर्जा दें और दस हज़ार वापस लें तो आपका नुकसान होगा तो ये इस वजह से नहीं है कि आपको इस्लाम ने ऐसा कहा है बल्कि इस्लाम आपको एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट बताता है टोटली इसके ऑपोजिट बताता है ये तो भी सेवेंटीज की बात है जो सारा स्टार्ट हुआ है यू you नो know, और इससे कितना लोगों ने लूटा है इसके बाद जो इंटरेस्ट रेट्स आए और उसके बाद आए आपको सुन के हैरत होगी इंटरेस्ट रेट तो पहले भी था लेकिन इन, जब पैसा आपका आप मेंटेन करने के लिए जब आप आ, अपने पैसे वजह जैसे आपने कहा कि दस हज़ार के ऊपर पैसे लेने हैं इसलिए कि उसकी बाइंग पावर कम होती है तो मैं चाहता हूँ कि कंपनसेशन मुझे उसका मिले यहाँ से लोगों की एक्सप्लोटेशन कितनी होती है और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अनफेयर लोगों के लिए खुलती हैं क्या आप अंदाज़ा करें कि नाइनटीन तक चाइना में एक भी बिलीन नहीं था एक भी नहीं था आज चाइना दुनिया में दूसरे नंबर पे है ये इस मॉडल की वजह से और इसमें जो एक्सप्लोटेशन है उसकी वजह से अब आप कह सकते हैं ये बना तो अच्छी बात है लेकिन आप जब बिलीनियर बनते हैं तो उसकी कॉस्ट उस बाकी सोसाइटी पे करती है मैं कॉम्युनिस्ट नहीं हूं मैं ये नहीं कहता कि ये सारा मेरी बातों को इस तरह से ले ली कि मैं लेफ्टी हूं आई एक्चुअली एम क्वाइट एक्चुअलीस्ट कॉम्युनिज्म लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये एक फ्लो है इस्लाम इसका सोलूशन देता है कि इस्लाम का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो ज़्यादा बेहतर है सस्टेनेबल है अब आजकल के जो हालात हैं इसमें इस्लाम क्या कहता है अब जहर से बात है दुनिया से हम कट ऑफ तो नहीं कर सकते तो इस्लाम ने इसका बड़ा सिंपल सोलूशन दिया है वो ये है कि देखें आप अपना पैसा किसी को भी देते हैं तो उसको एक कमोडिटी के साथ लिंक करते हैं ये मेरी बात समझ आ रही है आपको जी फॉर एग्जाम्पल हाँ कमोडिटी के साथ हो गया ना कि फॉर एग्जांपल आपने सोने के साथ लिंक कर दिया है कि आपने किसी को अगर दस हज़ार रुपया दिया है तो आज दस हज़ार रुपये इसका कितना सोना आ जाता है एक तोले का कितना हिस्सा आ जाता है तो आपने जब पैसे दिए हैं तो आप उनको ये कह रहे हैं कि देखें मैं आपको ये दस हज़ार रुपया नहीं दे रहा बल्कि मैं आपको तोले का इतवा हिस्सा दे रहा हूँ जितना भी वो बनता है मैंने उतना ही वापस लेना है बाय दैट टाइम अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है कम हो जाती है सो आज दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग मैंने कमोडिटी के बदले कमोडिटी आपसे लेनी है ये उसका प्रतिकार तो है सर, सर, ये सलूशन है जी फिर मेरे दो 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 प्रश्न हो रहे हैं सर अगर इधर मेरा भी सोच जी, जी सर नहीं सर आप पूरा कर लीजिए सर ये कंसेप्ट ऐसे मुझे पता है सिर्फ कंसेप्ट उनका आपके थ्योरी से सदा के लिए इक्वल रहते हैं जी सर वो मुझे समझ का सर सिर्फ वो कांसेप्ट आता है सोने का ना इधर कम्युनिटी के साथ लिंक है ना सोने के साथ तो सोना कीमत वो जैसी-जैसी इन्फ्लेशन होती है उसकी कीमत बढ़ती रहती है सोने के साथ-साथ प्रोडक्ट वाला वो प्रोडक्ट है सिस्टम ना हाँ लेकिन आपने तो कमोडिटी के साथ लिंक किया हुआ ना कमोडिटी तो कम ज्यादा नहीं होती ना फॉर एग्जांपल अगर एक तोला सोना जी, आपने वो, किस वो, किस वो, वो ये सिस्टम तो आप एक तोला सोना ही वापस ले रहे हैं ना जी जी लिखिए ये मेरे सवाल का जवाब दे दें आप नहीं सर आ गया आपके क्वेश्चन आपका आ गया क्वेश्चन ठीक अच्छा आपने अपने बारे में बताया कि था सर और उसके बाद फिर आप, आप आप एथियस्ट हो गए फिर क्या हुआ उसके बाद फिर से मैंने जब से बड़ा पढ़ना शुरू किया है उसमें कुरान जी को कुरान जी में सर कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स है जैसे चांद का घूमना सूर्य का घूमना

बिल्कुल भी नहीं है कुरान उसके खिलाफ नहीं है कुरान में तो बल्कि ऐसी आयात मिल जाती हैं जिसमें से हमें इस तरह की के तो शवाहिद भी मिल जाते हैं लास्ट टाइम भी अमर भाई एक आयत का जिक्र कर रहे थे कि किसी इंसान का एक मुख्तलिफ इलाक़ों में उसका कद लंबा होना छोटा होना रंग काला होना आंखें बड़ी होनी नाक कहीं बड़े कहीं छोटे थिंग्स आर डिफरेंट पहले इंसानों का कद बड़ा होना छोटा होना ये इंसान इंसान ही रहे उसके अंदर तगैर होता रहे इज़ परफेक्टली एक्सेप्टेबल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये एम्पेरिकली हम देख सकते हैं साइंटिफिकली स्पीकिंग बहुत ज्यादा हमारे पास एविडेंस है इसका ये जो बाकी आपने ये जो बातें आपने कही हैं जो सॉरी आपने नहीं, जो बाकी वोल्यूशनिस्ट कहते हैं कि नहीं वो हम पहले कुछ और मखलूक होते थे एक सेल से बना ये वो सारा

सर एक तो लोग, लोग है तो जैसे हम के में जाते हैं एवोल्यूशन जो सीजन है वो खुद इतना कुछ कर नहीं सकती लेकिन जब हम क्रिएटर की तरफ जाते हैं तो, तो, है, तो क्रिएटर है, तो है। है, तो तो को पीछे उससे अव्वल में कुछ ना कुछ होना चाहिए वो नहीं मिल रहा उससे पहले क्या इससे पहले क्या क्रिएटर से पहले सर जैसे सर हम जो जो कहते हैं कायनात का, बनी है साइंटिस्ट कहते हैं जो चीज़ को मानते हैं लेकिन सर, जो कायनात के बनने से पहले कुछ भी नहीं था सर ये एक ब्लाइंड था सर, उसमें में। और सर उसके बहुत सारे इफेक्ट हैं जैसे पानी का पानी कैसे है दुनिया में सर बहुत से जो शादियों का नाम सर सर वो सारा इसम के खिलाफ जाता है सर लेकिन इस्लाम के खिलाफ सर एक चीज आती है कि अल्लाह से पहले क्या अल्लाह से पहले क्या था सर ये इसका मिला नहीं मुझे कभी भी नहीं मिला सर मेरे चार पांच साल पहले ऐसा ही क्वेश्चन अभी तक घूम रहे ठीक है अल्लाह ताला ने कुरान में जो अपने बारे में बताया है बड़ा सिंपल सुराए अखलास में उसमें अल्लाह पर्टिकुलर लफ्ज इस्तेमाल किया है अपने लिए अहद का ये, मिन रजीम, कुल वाहिद नहीं है ये अहद ये है अब अहद जो लफ्ज़ है इसके बड़ी मखसूस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो पे तकसीम नहीं हो सकता फॉर एग्ज़ाम्पल ये नूमेरिकल सीकुंस को इंस्टिगेट नहीं करता इंस्टिगेट करने से मतलब ये कि जब हम कहते हैं एक तो लॉजिकली हमें पता है कि इसके बाद क्या आएगा दो यानी हम दो कहते हैं तो हमें लॉजिकली पता है कि इसके पीछे इसके आगे क्या आएगा एंड एंड सो तो एक पूरी चेन बन जाती है लेकिन अहद ऐसे एक को कहते हैं कि इसके बाद दो नहीं आता इंसेप्रेबल इसमें कुछ भी आगे आगे कुछ नहीं हो सकता देट्स दैर that. ये एक्चुअली आपके सवाल का जवाब है क्योंकि हम जब जाते हैं कायनात में पीछे ना इल्ल तो मालूल कर सकता है जैसे कॉज एंड इफेक्ट का सिलसिला क्या कहा जाता है जब ये पीछे जाता 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 देर कम्स अ पॉइंट कि हमारे पास अब दो ऑप्शन रह जाते हैं एक ऑप्शन ये रह जाता है हमारे पास के हम इन्फिनट रिग्रेसन में चले जाएँ ना फिलोसॉफिकली ये अनथिंकबिलिटी में आता है ये ऐसी चीज़ है जिसका आप सोच भी नहीं सकते इनफिनिट रेग्रेशन का मतलब यह है कि कॉज एंड इफेक्ट का सिलसिला जाते 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 हो तो यह तो हो ही नहीं सकता तो इत लॉजिकल नेसेसिटी कि ये किसी ऐसे स्टेज पे खत्म हो कि जो फर्स्ट कॉज हो हर चीज को जिसने कोज किया हुआ हो इसको आ, प्राइम रियलिटी भी कहा जाता है फिलोसफी में इसको फर्स्ट कॉज भी या अनकोज कॉज भी कहा जाता है कि दर इज़ दी ओनली एक्सप्लेशन इसको हम जब कुरान के टेक्स्ट के साथ मुवजना करते हैं कि अहद एक ऐसा वाहिद है एक ऐसा अकेला है कि जिसके बाद दो नहीं आता जो तकसीम नहीं हो सकता जिससे पहले भी कुछ नहीं है तो दैट लॉजिकली इसको हम फिर समझते हैं कि हर जितने भी हमारे पास ये मज़ाहिर हैं कायन है जो कुछ है ये नेसेसरी है कि इसके पीछे एक ही ऐसी जात हो जो जिसपे हमारे रूल्स अप्लाई ना होते हों वो टाइम और स्पेस के अंदर ना हो वो हमारे रूल्स पे बाउंड ना हो बल्कि वो इन सब चीज़ों से आज़ाद हो इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना आपकी जिंदगी की ना मेरी जिंदगी की ना तख्लीक कायनात की ना दरियाओं की ना मछलियों की ना पहाड़ों की ना किसी चीज की भी नहीं है टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी इसको आप किसी और तरीके से आप आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं इवन इवन जो साइंटिस्ट हैं वो भी किसी तरह से आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसके अलावा फिलासफर्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो ये इस्लाम की कोई कमजोरी नहीं है ये इस्लाम की स्ट्रेंथ है कि वो ये बताता है कि एक जात ऐसी है जिस पे आपके रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं जी महर भाई अब एक सवाल मैं आप पूछ सक आप एथिज्म से वापस इस्लाम की तरफ आना चाहते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो आप समझते हैं कि आपको मिल जाए आपका सवाल ऐसा है जो हल हो जाए कौन सी आपकी ऐसी है जो पूरी हो जाए तो आप समझते हैं कि आप इस्लाम में वापस आ जाएंगे सर मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कह रहे थे जैसे सर, सर, सिस्टम के खिलाफ इसलिए गया था कि उससे पहले कुछ भी नहीं बनता इसकी सर कोई से कुछ भी नहीं सर, इस तरह कोई लॉजिक नहीं बनता किसी चीज का ना

उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता इसलिए कि फिर अगला सवाल होगा कि अच्छा उसका कौन क्रिएटर है फिर उसका कौन सा क्रिएटर है तो इसको फिलासफ़ी में कहा जाता है इन्फिनिट रिग्रेशन कि ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है और ये हो ही नहीं सकता इट्स इम्पॉसिबल देर हैज टू बी ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी सिंगल थिंग और ये दूसरी साथ उसके बाद नेसेसरी है कि वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे कवानीन से आज़ाद हो क्योंकि अगर वो हमारे कवानीन से आज़ाद नहीं है तो इसका मतलब है वो हमारे कवानीन पे पाबंद है और अगर वो हमारे कवानीन का पाबंद है तो इसका मतलब है कि कवानी उसके बनने से पहले थे और अगर कवानीन उसके भी वजूद में आने से पहले थे तो फिर उन कवान के बनाने वाला कौन था तो इससे हम दोबारा से फिर इन्फिनिट रेग्रेशन में चले जाते हैं कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है तो इसलिए देर टू बी एक एक्सप्लेनेशन है थियोलॉजी में फिलोसफी में इवन साइंस में इवन साइंस में साइंस में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पर्सनल गोड पे जाके आगे पूछे वो, वो समझते हैं कि यह कह सकते हैं कि खुदा है या कोई और इवन ये जो रिचर्ड डॉकिंस का एक बड़ा प्रेसिंग इंटरव्यू था जिसमें वो यहाँ तक मान गया था कि शायद कोई एलियन था कोई एक एले, एले। 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 था, कुछ कर गया ऐसा तो वो भी वैसे कि वजूद उस तरह से नहीं था सो देर देर इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड तो इस पर अभी जो हमारी बात हुई है इससे आपको आपके सवाल का जवाब मिलता है जीतने मिलता है सर फिर जीत ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते ठीक है इंशाल्लाह अगर वो पर... तो आपका सवाल का जवाब मिलता है तो फिर मैं आपको दावत देना चाहूँगा कि आप इस्लाम में आए और दावत देना चाहूँगा कि आप सोचें कि अगर इससे जवाब भी आपको मिलता है एंड यू नो वट इज़ एट स्ट्राइक ज़िंदगी मौत का पता भी नहीं होता फिर इंतज़ार किस चीज़ का जी सर यही खोफ है हम अगर मर गया आगे क्या मत मिल गई काम होया काम खराब हो जाना कदम आ जाता तन वाई वेट माय ब्रदर पर इंतजार किस चीज़ का जी करो अशरफ लायेगा इधर अशरफ नब्बर से नब्बर पका पका दिल से पड़ा है जी सर जी सर यही क्वेश्चन था, था जो मुझे तंग कर रहा था अल्लाह ताला आपको खैर दे

बेशक बंदा बेचैन हो जाता है इसमें कोई शक नहीं और आप देखें कि एक इस तरह की चीज़ है अभी आपने कल मैच हादत पढ़ा वापस दारा इस्लाम में आ पाए तो आप देख लें कि हमारी नीचे जो ऑडियंस है कितना ज़्यादा एक तहरीक उसमें फैली है कि और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे जैसे आदमी का शुक्रिया अदा ना किया करें क्योंकि आपको नहीं पता कि ये जो तहरीक फैलती है तो फिर जब आप लोग जब दीन में वापस आते हैं जब आप देख के चीज़ों को घूम के आपको दीने फितरत का पता दोबारा से एहसास होता है आपके अंदर एक कनेक्टिविटी पैदा होती है तो उससे कितने और चिराग जो भुजने की तरफ जा रहे होते हैं वो दोबारा उठते हैं तो शुक्रिया हम आपका अदा करते हैं शुक्रिया मैं आपका अदा करता हूँ थैंक यू सर बस मैं एक वादा लिया करता हूँ वो मैं आपसे भी लूंगा कि अगर हशर के दिन मेरी लाइफ बनने का अगर आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया वो तो बनिएगा जरूर ये गवाही देके के अला ये जैसा भी है ना जैसा भी है अगर मैं तुम्हारे दीन में वापस आया हूँ तो उस पूरी इमारत में एक आदि ईंट इसकी भी है और मैं गवाही देता हूँ कि वो इसकी है जी, who knows? Maybe that's all what I'll be looking for. जी, जी, जी. थैंक यू सो मच थैंक यू ब्रदर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह ताला आपको खुश रखे आबाद रखे थैंक यू सर थैंक यू सो थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका